हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम रहमान है। आज हम आपको बताएंगे कि स्ट्रेट लाइन को मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर के थ्रू किस तरह फिट करते हैं। आज का जो लेक्चर है उसमें हम आपको बताएंगे कि स्ट्रेट लाइन को मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर के थ्रू आप कैसे फिट करते हैं। हमारे पास क्या है, ये डाटा है, एक्स की वैल्यूज है, फिर वाई की वैल्यूज है। एक्स की वैल्यूज क्या है, 1, 2, 3, 4, 5। फिर आए वाई की तरफ, 3, 4, 6, 9, 10। अब इस डाटे को हमने स्ट्रेट लाइन के ऊपर फिट करना है। आपको पता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, वो होती है वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अच्छा, अब क्या है, हमने ए और बी की वैल्यू को फाइंड करना है। जब हम ए और बी की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे तो इसका मतलब ये होगा हमने स्ट्रेट लाइन को क्या कर लिया है, फिट कर लिया है। अब उसके लिए फार्मूला क्या है, बी के लिए फार्मूला है ये एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई, और उसके बाद उसको डिवाइड करेंगे एन समेशन एक्स स्क्वायर समेशन एक्स होल स्क्वायर। जब आप इसमें क्या करेंगे, अब हम इस वक्त कॉलम बनाएंगे। अब आप देखिएगा ये एक्स और ये वाई, इसकी वैल्यूज में गिवन है। अब आप क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, 3 मल्टीप्लाइड बाई 6, 4 मल्टीप्लाइड बाई 9, 5 मल्टीप्लाइड बाई 10, और ये इनका मल्टीप्लीकेशन के बाद रिजल्ट आ जाएगा। फिर आपने लास्ट कॉलम बनाना है, इसमें आपने 1 का स्क्वायर लेना है, 2 का स्क्वायर लेना है, 3 का स्क्वायर लेना है, 4 का स्क्वायर लेना है, 5 का स्क्वायर लेना है। उसके बाद इन सबको हमने क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। ये हमारे पास क्या है, समेशन एक्स है, ये समेशन वाई है, ये समेशन एक्स वाई है, ये समेशन एक्स स्क्वायर है। अब इसमें हम आपको देखना होगा इसके अंदर कितनी वैल्यू, कितने पेयर है, 1, 2, 3, 4, 5। तो जितने पेयर ऑफ वैल्यूज होंगी उतना हमारे पास क्या होगा, एन होगा, और एन की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे क्या है, 5। समेशन एक्स वाई की वैल्यू पुट करेंगे 150, फिर माइनस, फिर समेशन एक्स की वैल्यू, फिर समेशन वाई की वैल्यू, और इस तरीके से हमने एन समेशन एक्स समेशन एक्स वैल्यू पुट करेंगे, और इसको जब सॉल्व कर लेंगे उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.9। और उसके बाद हम क्या निकालेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे, और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, समेशन वाई माइनस बी समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन। अब समेशन वाई कितना है, समेशन वाई है 32। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दें, बी आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है 1.9, 1.9 की वैल्यू पुट कर दें। समेशन एक्स क्या है, समेशन एक्स आपके पास 15 है, वो यहाँ पर आप पुट कर दें 15, और इसका एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू आपको पता है, पीयर ऑफ आपके पास पीयर है वैल्यूज है वो 5 है, और इनको आप माइनस कर देंगे तो पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब ये 1.9 किसकी वैल्यू आ गई है, बी, बी की वैल्यू आ गई है, और ए की वैल्यू कितनी है, 0.7। आप ये देखिए, हम इनको कहते हैं पैरामीटर, कहते हैं बोलते हैं पैरामीटर, ए भी पैरामीटर है, बी की वैल्यू भी पैरामीटर है। अब हमने अननोन पैरामीटर मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर के जरिए कर दिए हैं, निकाल दिए, और इसको क्या किसने पुट कर दिया है, ए की वैल्यू क्या पुट की है, 0.7, बी की वैल्यू क्या पुट की है, 1.9, और ये हमारे पास क्या है, एस्टिमेटेड स्टेट लाइन। और अगर हमें ये कहा जाए कि आप स्टेट लाइन को फिट करना है बाई मैथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, तो आपके पास क्या होना चाहिए, दो फार्मूले होने चाहिए, एक बी का आपको आना चाहिए और एक का ए आना चाहिए। हमारे पास क्या कहलाते हैं, पैरामीटर कहलाते हैं। वैसे इसको हम स्लोप भी कहते हैं, और ए को हम क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट भी बोलते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे हमने यहाँ कर दिया है स्टेट लाइन को फिट कर दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें।